नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर, अगर सरल भाषा में कहें तो यह एक प्रकार से घबराहट का दौरा है, यानी कि घबराहट आपको इमीडिएट या सडन आपको ऐसे महसूस होती है, जिसमें आपको सिम्टोमेटिक अपीयरेंस ऐसा लगता है जैसे आपको दिल का दौरा पड़ने वाला हो, या बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है, गला सूखता है, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, अजीब सा फील होने लगता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, पेल्पिटेशन यानी कि धड़कन महसूस हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, मृत्यु का डर लग सकता है, यानी कि ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे उसकी डेथ होने वाली हो, ऐसा उसको फील होता है। तो इस प्रकार के जो कलेक्टिव सिम्टम्स आते हैं एक ही साथ में, सडन ऑनसेट होता है, तो ऐसी कंडीशन को या इस प्रकार के घबराहट के दौरे को पैनिक अटैक बोला जाता है। यह उन लोगों में या उन पेशेंट्स में होता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमोशनली बहुत ही जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऐसे लोगों में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर इसके कारण की बात करें तो कारण इसका कई बार इडियोपैथिक होता है, यानी कि अननोन कॉज होता है, किसी भी कारण के बिना भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा अगर और कारण की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से उसका मानसिक जो स्तर है उस पर मानसिक आघात पहुंचा हो, यानी कि मेंटल कोई शॉक हुआ हो, मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, और वहीं से इस पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की शुरुआत हुई हो। कई ऐसे पेशेंट्स जो कि ड्रग्स लेते हैं या किसी चीज़ के एडिक्ट हैं, किसी न किसी नशे के आदि होते हैं, ऐसे लोगों में भी यह देखने को मिलता है। अब टाइप्स की बात करें तो यह तीन टाइप के होते हैं। पैनिक अटैक्स तीन टाइप में, विशेषकर जो है अननोन टाइप का जो पैनिक अटैक है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके तीन टाइप, पहला है प्रीडिस्पोज्ड, दूसरा है सिचुएशनल यानी किसी कंडीशन या किसी सिचुएशन में ही यह होता है, तीसरा जो टाइप मैंने पहले बताया यह होता है अननोन टाइप। अब बात करें पैनिक अटैक जो है वो पैनिक डिसऑर्डर में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब पेशेंट को पैनिक अटैक के दौरे पड़ने लगते हैं, यह दौरे बार बार पड़ते हैं और कंटिन्यूसली पड़ते रहते हैं, पेशेंट को जब यह दौरा पड़ता है तब उसको यह डर और घबराहट दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसा मुझे फिर से होगा, बार बार होगा। जब वह हॉस्पिटल की तरफ जाता है या इमरजेंसी में जब वह दिखाने जाता है तो हार्ट के सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, या ऐसा देखा जाता है कि हार्ट की वजह से तो ऐसा नहीं है, लेकिन वह हार्ट की वजह से नहीं होता और हार्ट की तरफ से कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं आती है, तब डॉक्टर उसको कोई भी सेडेटिव या कोई भी ऐसी दवा जिससे कि वह मेंटली रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए, ऐसी दवा देकर उसको घर भेज देते हैं। लेकिन पेशेंट के मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि मुझे इस प्रकार का दौरा फिर से तो नहीं पड़ेगा, या मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, पर ऐसा सोचते सोचते वो एंजाइटी के कारण यह पैनिक अटैक फिर से रिपीट होता है। तो उस वजह से जब यह दौर कंटिन्यूस चलता रहता है, यह कैस्केड जो है कंटिन्यू चलता रहता है, तो यह पैनिक अटैक बार बार आने की वजह से यह पेशेंट जो है पैनिक अटैक से पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट पार्ट की, यानी कि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर से कैसे बचा जा सकता है, उसमें खुद को कैसे शांत रखा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको योगा और मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन और योगा के लिए आप कम से कम 15 से 20 मिनट डेली निकालिए अपनी बिजी लाइफ में से, चाहे वह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे वह इवनिंग टाइम हो, आप एक 15 से 20 मिनट का स्लॉट ज़रूर निकालिए जिसमें आप ध्यान केंद्रित करके, मेडिटेशन करके इस पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस जो आपको हेल्प कर सकती हैं। उनमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एकोनाइट 30, एकोनाइट नेपेलस 30 जो मेडिसिन है, यह पैनिक अटैक जो सडन ऑनसेट होता है उनमें बहुत हेल्प करता है। इस मेडिसिन को आपको दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार कंटिन्यू लेना है।
किसी भी प्रकार का पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर हो, आपको एकोनाइट 30 ज़रूर लेना है। और एक्यूट कंडीशंस, जब मान लीजिए पैनिक अटैक आ रहा हो और ऐसी स्टेटस में या ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट 30 को आप जेब में भी रख सकते हैं, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। एकोनाइट 30 को आपको दो दो मिनट के अंतराल से दिन में अटैक के टाइम पे 3 से 4 बार रिपीट करना है, जिससे कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल सके। दूसरी जो दवा है वो कंडीशनल है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। यह दवा आप तब लेंगे, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 का आप उपयोग तब करेंगे जब आप टेंशन या एंजाइटी की वजह से आपको मोशन बार बार होता हो, आपको घबराहट की वजह से आपको बार बार मोशन होता हो, बार बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ता हो, बाथरूम जाना पड़ता हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, यानी कि आप कहीं पर भी खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से कतराते हो, अगर ऐसी कंडीशन हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 का आपको 2 बूंद सुबह और शाम दिन में 2 बार ही लेना है। तीसरी जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम 200 आप ऐसी कंडीशन में लेंगे जब आपके विचारों पर आपका कंट्रोल नहीं रहता हो, आपका मन भागता रहता हो, आपके मन में विचार कंटिन्यूसली बैक टू बैक आते रहते हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो ही आप आर्सेनिक एल्बम 200 का 2 बूंद हफ्ते में 2 बार लेंगे, ट्वाइस अ वीक लेंगे। चाहे आप रविवार और बुधवार 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए जिस दिन आपको यह दवा लेनी है। मेडिसिन जो है वो है कालीफॉस 6X। यह मेडिसिन आपको सारे केसेस में लेनी है। इस मेडिसिन को आपको 4 गोली सुबह, 4 दोपहर में, 4 रात में, दिन में 3 बार उपयोग में लाना है। यह एक च्यूएबल टैबलेट है, इसको आपको मुंह में रखना है, यह घुल जाएगी। यह डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती हैं। 4-4 गोली दिन में 3 बार कालीफॉस 6X का आपको ज़रूर लेना है, सारी कंडीशन में, सारे प्रकार के पैनिक अटैक्स में आपको लेना ही लेना है। अगली जो मेडिसिन है यह भी सारे पेशेंट्स में उपयोगी है, इसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी 30। रेस्क्यू रेमेडी 30 आपको मेंटल कामनेस देती है, आपको दिमाग को शांत करती है, आपके विचारों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखती है। इस दवा का आपको 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसा आपको कंटिन्यू 3 से 4 महीने, हो सके तो थोड़ा सा और कंटिन्यू इसको लंबे समय तक लीजिए, या किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। तो इसमें मेन जो मेडिसिन है एकोनाइट 30, रेस्क्यू रेमेडी 30 और कालीफॉस 6X, इन 3 दवाओं का उपयोग आपको कंटिन्यूसली करना ही है, सारे प्रकार के पैनिक अटैक्स में आपको इसको यूज करना है। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।